हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैंने फिर से एक यूनिक केक का डेकोरेशन आपके साथ शेयर किया है, जो बहुत ही इजी है बनाना। बहुत ही कम टाइम में आप ये केक का डेकोरेशन बना सकते हो। और आज मैंने सिर्फ एक ही नोजल यूज़ करके ये केक का डेकोरेशन बनाया है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने केक को अच्छे से आइसिंग कर लिया है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैलेट नाइफ के मदद से एकदम केक के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मैं जब भी ये केक का डेकोरेशन बनाऊँ तो इजी हो मेरे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीम बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है, और ये कलर बनाने के लिए मैंने दो कलर यूज़ किया है, ग्रीन एंड येलो। और आज मुझे कुछ सेटिंग क्रीम बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक के मदद से ब्लू कलर ले रही हूँ, और मैंने जैसे दिखाया बस आपको वैसे ही करना है, तभी जो आपका क्रीम है वो एकदम बहुत ही परफेक्टली बनेगा, बहुत ही क्यूट लगेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ नोजल लिया है, कोई सा भी रोज़ नोजल के मदद से आप ये डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा रोज़ नोजल लिया है, आप चाहे तो बिग साइज का रोज़ नोजल भी ले सकते हो। और ये डेकोरेशन बनाने के लिए जो व्हिप्ड क्रीम है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ ना रहे, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सॉफ्ट पिक्स रहेगा, तभी जो आपका केक का डेकोरेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो क्रीम लिया है वो थोड़ा सॉफ्ट पिक्स का ही था। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो या फिर कुछ और काम करते हो, या फिर स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हो, और आपके पास दिन में 2-4 घंटे का टाइम है, तो आप बेकिंग का काम शुरू कर सकते हो और एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो। और उसके लिए आपको कोई क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर ही आपको बहुत सारा वीडियोस ऐसे भी मिल जाएगा, लाइक कैसे केक बेक करते हैं, कैसे डेकोरेशन करते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा वीडियोस है, आप ध्यान से देख के भी सीख सकते हो, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये सीखने में। और आजकल तो केक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर एक ओकेशन पे लोगों को केक चाहिए होता है, ठीक है, तो आप केक बेकिंग का काम इजीली शुरू कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेरा होममेड न्यूट्रल जेल ले लिया है, और न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा रेड जेल कलर ही मिक्स किया है, वाटर कलर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। और होममेड न्यूट्रल जेल कैसे बनाते हैं घर पर बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम चीज़ों से, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। मेरा जो कस्टमर था उनको ये केक का डेकोरेशन ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, लाइक कलर कम्बिनेशन, डिज़ाइन बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटके वाला था। और ये वाटर ड्रॉपिंग बनाने के लिए जो न्यूट्रल जेल है उसको बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो जो वाटर ड्रॉपिंग है ना वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली नहीं बनेगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल के मदद से थोड़ा और डेकोरेशन किया है। अगर आपके पास कुछ ऐसा स्प्रिंकल नहीं है तो आपके पास जो भी स्प्रिंकल है उन्हीं के मदद से आप डेकोरेशन कर सकते हो। तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हो केक का लुक बहुत ही प्यारा आया है। तो आपको ये केक का डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।